हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको चेहरे के रंग को निखारने का साथ ही चेहरे की त्वचा को सॉफ्ट स्मूथ बनाने का और ग्लोइंग बनाने का एक आसान सा इफेक्टिव होम रेमेडी बताने जा रही हूँ इसके इस्तेमाल से आपकी त्वचा काफी ग्लो करेगी खास करके सर्दियों में इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपकी त्वचा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्मूद होगी और आपकी त्वचा के रंग में भी काफी निखार आएगा लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बेल बटन को जरूर क्लिक कर ले मेरे नया वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं बहुत सारे लोगों की त्वचा सर्दियों में काफी ड्राई हो जाती है साथ ही त्वचा में निखार नहीं रह जाता लेकिन मेरे इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपकी त्वचा में बहुत ज्यादा निखार आएगा और आपकी त्वचा काफी सॉफ्ट और स्मूद हो जाएगी इसके लिए सबसे पहले आपको लेना होगा रोज वाटर यानी कि गुलाब जल लगभग एक चम्मच आपको इसमें गुलाब जल लेना है इसके बाद आपको इसमें मिक्स कर लेना है ग्लिसरीन ग्लिसरीन हमारी त्वचा में नमी बनाए रहता है जिससे हमारी त्वचा ड्राई नहीं होती यह हमारी त्वचा को सॉफ्ट बनाने में काफी मदद करता है खास करके सर्दियों में अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी त्वचा बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग भी होगी साथ ही आपकी त्वचा के रंग को निखारने में भी काफी मदद करता है इसमें कुछ बूंदे आपको ग्लिसरीन मिक्स कर लेनी है अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है लेमन जूस यानी कि नींबू का रस आधा चम्मच आपको इसमें नींबू का रस मिक्स कर लेना है अगर आपकी त्वचा सेंसिटिव है तो आप इसमें नींबू के रस की मात्रा कम रखें इसे अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है अब इसका इस्तेमाल आपको अपनी त्वचा पर करना है किसी कॉटन बॉल की मदद से आप इसे अपनी त्वचा पर लगाएं। फिर आप इसे लगा करके आप चाहे तो पूरी रात रख सकते हैं या आप एक घंटे के लिए इसे लगा के रखें फिर अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। अगर इसे आप रात भर के लिए लगा के रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा आपकी त्वचा काफी ग्लोइंग होगी और आपकी त्वचा में बहुत ज्यादा निखार आएगा इसे आप रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं यह न उसका खास करके सर्दियों के लिए है जिससे आपकी त्वचा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनी रहेगी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में